क्लास ट्वेल्थ के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामान्य हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो यदि आपने 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुना है या जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12 में सामान्य हिंदी विषय लिया है, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि सामान्य हिंदी विषय का पेपर कैसा आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, और इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो इस मॉडल पेपर से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% बनेंगे। और साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराता चलूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय आपको मिलेगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, पेपर का पूर्णांक होगा 100 अंकों का, और यहां पर आप देख पा रहे हैं खंड का के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है, एक का के अंतर्गत प्रश्न आया है यहां पर इस मॉडल पेपर में, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद, दूसरा है संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा है रामकृष्ण दास। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संपूर्णानंद। संपूर्णानंद इस निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है यहां पर लल्लू लाल की रचना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना लल्लू लाल की है, पहला विकल्प है सुख सागर, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर जो है यह लल्लू लाल की रचना है। और प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत एक का खा गा और घा यानी 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी यहां से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए, इतनी आपको तैयारी करनी है। यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, पहला है विकल्प प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमरकांत और चौथा है यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यशपाल जी हैं, यहां पर चौथा आंसर सही हो जाएगा यानी चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है रामवृक्ष वेणीपुरी, तीसरा है राहुल सांकृत और चौथा है रांगेय राघव। तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवारा मसीहा रचना है किसकी, आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। अगला प्रश्न यहां पर है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसके बाद 2 का के अंतर्गत प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी जो है रचना किस युग की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कामायनी रचना है छायावादी युग की, और यह किसकी रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आप ध्यान दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, महाकाव्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, पहला विकल्प है अग्रदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंद दास और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा पहला विकल्प है 1941, दूसरा है 1943, तीसरा है 1954 और चौथा विकल्प है 1947। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 है, और यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया या संपादन किसने किया, उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती,
कामायनी। तो द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी, क्योंकि यह छायावादी युग की रचना है और जिसके रचनाकार कौन है? जय शंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? पहला विकल्प है रामचरितमानस, दूसरा है साकेत, तीसरा है पद्मावत और चौथा है मामा। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है और यहां पर जो मामा है यह क्या है? महाकाव्य नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आएगा कुछ इस तरीके का कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? तो यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है और जिस भी गद्यांश में धरती माता लिखा हो या जन लिखा हो या राष्ट्र लिखा हो ये सभी किस पाठ से लिए गए गद्यांश होंगे? आप इस ट्रिक को जरूर अजमाइएगा क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि यह गद्यांश उसी पाठ से है। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? क्योंकि पहला प्रश्न आएगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे 5, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कुल 10 नंबर आपके यहां से कंप्लीट होने चाहिए। तो यहां पर पहले तो आप जान लीजिए यह गद्यांश किस पाठ से है। तो धरती माता लिखा हो, जन हो या राष्ट्र हो, इस तरीके के शब्द लिखे हो, आप जान जाइएगा कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? राष्ट्र का स्वरूप। किस पाठ से है? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप और जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यह पाठ है, इस पाठ से जरूर आएगा गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। गद्यांश का अगला प्रश्न है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे और इनका आंसर आप आसानी से दे लेंगे यदि आप गद्यांश अच्छे से पढ़ लेंगे तो। इसके बाद अथवा में भी गद्यांश है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो यह गद्यांश भी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह किस पाठ से लिया गया है? तो संदर्भ जब आप लिखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा कि यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? अशोक के फूल। पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल। और जिसके लेखक कौन है? अशोक के फूल इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इस पाठ के लेखक। वेरी इंपॉर्टेंट है यह पाठ, यहां से गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो 5 प्रश्न हैं इन्हीं 5 प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा और आपको किसी एक गद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दोनों गद्यांशों के प्रश्नों का आंसर आपको नहीं देना है, किसी एक गद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और यहां से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 क्या है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष सफत है पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो यह जो पद्यांश लिया गया है किस पाठ से है? यह लिया गया है पद्यांश कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है, अनुताप, और जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी, आप ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पाठ कैकेयी का अनुताप से यह पद्यांश लिया गया है और इस पद्यांश के प्रश्न यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से हैं।
पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी और इसके बाद यहां पर अथवा में जो पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। यह जो पद्यांश है यह किस पाठ से है, यह है पवन दूतिका पाठ से। किस पाठ से लिया गया है यह पद्यांश, पवन दूतिका पाठ से है और जिसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट से आपकी बोर्ड परीक्षा में पद्यांश 100% आएगा और पद्यांश आधारित 5 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसके लिए आपको मिलेंगे यहां पर 10 नंबर। जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर यहां से मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का है इस प्रकार से, यहां आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आएगा प्रश्न 5 अंक का और यहां पर लेखक कौन कौन से हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप तैयार कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। इनका आप साहित्यिक परिचय लिखिएगा और इनसे रिलेटेड रचनाओं के नाम भी लिखिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 5 खा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और सुमित्रा नंदन पंत रामधारी सिंह दिनकर का भी आपको साहित्यिक परिचय और इनसे रिलेटेड प्रमुख रचनाओं को भी तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपको किसी एक कहानी के उद्देश्य को लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अथवा है प्रश्न, चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अथवा वाले, ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। और यहां पर प्रश्न संख्या 7 क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे और आपके जिले के लिए जो भी खंड काव्य निर्धारित है आपके जिले के लिए, आप उसी खंड काव्य से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से यहां पर आप देख सकते हैं 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित हो उसी के अनुसार आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसके बाद खंड खा पेपर विभाजित होगा खंड खा में और खंड खा के अंतर्गत 8 का प्रश्न संख्या 8 का जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह जो गद्यांश है, यानी 2 गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत के, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा यानी ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चासीत। यह जो गद्यांश है किस पाठ से है, मैं आपको बता दूं कि यह गद्यांश है महामना मालवीया पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको लिखना है। अथवा में यहां पर गद्यांश आप ध्यान दीजिएगा, हंस राजा तदेव पारिस मध्य आत्मना भागिनी पाप हंस पोतकाया दुहित रमछत। तो यह जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह लिया गया है जातक कथा के अंतर्गत नृत्य जातकम
से लिया गया है। और साथ ही यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि अगला प्रश्न क्या है, आठ खा के अंतर्गत दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर दो श्लोक आए हुए हैं, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको सात नंबर मिलेंगे। तो यहां पर पहला श्लोक है, यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह लिया गया है जातक कथा, जातक कथा के किस पाठ से, उलूक जातकम, उलूक जातकम से लिया गया है, उलूक जातकम से लिया गया है। और अगला जो यहां पर श्लोक है, यह किस पाठ से है, यह लिया गया है सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों ही श्लोक, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार से आएगा, यहां पर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे दो नंबर। तो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, इनका आपको अर्थ लिखना होगा, यानी जो मुहावरे आएंगे उनमें से आपको किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना होगा। अगला प्रश्न संख्या 10 का इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तथापि का संधि विच्छेद क्या है, तथा प्लस अपि, यहां पर क्या है, यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परम प्लस ईश्वरा हो जाएगा। गायकह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय धन अकह हो जाएगा। यहां पर जो है दूसरा विकल्प के बाद जो तीसरा है यह सही हो जाएगा। फिर अगला है, प्रश्न दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आत्मना में विभक्त और वचन है कौन सा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा, पंचमी विभक्ति एक वचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन, कौन सा सही है, पंचमी विभक्ति एक वचन वाला ऑप्शन सही है। अगला है, नामना में विभक्ति और वचन क्या है, इसका आंसर सही क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 क्या आएगा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको सही अर्थ का चुनाव करना है, वसन और व्यसन का सही अर्थ क्या होगा, आप यहां से एक नंबर आपको मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके सभी मित्रों को पता चले किस तरीके का पेपर आने वाला है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो वसन और व्यसन का अर्थ क्या हो जाएगा, वस्त्र और आदत। अगला है यहां पर, अंबुज और अंबुद, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मैं आपको आंसर बता दूं, अंबुज का अर्थ है कमल और अंबुद का अर्थ क्या है, बादल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो यहां पर इस तरीके के शब्द आएंगे, आपको किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने होंगे। तो जैसे यहां पर है अंबर, तो अंबर का एक अर्थ क्या होता है, एक अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ होता है आकाश, आकाश भी होता है। और अगला है यहां पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, तो जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और अगला है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए क्या आंसर सही हो जाएगा, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो वाक्य दिए होंगे, दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना होगा। अगला प्रश्न संख्या 12 का है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, इसके लिए आपको दो नंबर मिलेंगे। और यहां पर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, इसके लिए भी आपको दो नंबर मिलेंगे। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, इसके लिए भी आपको दो नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न संख्या 13 आएगा, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, किस तरीके से आप लिखेंगे, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। अथवा में भी एक प्रश्न आएगा यहां पर, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसके बाद
प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो 9 नंबर का प्रश्न आएगा निबंध से रिलेटेड, और यहां पर कुछ विषय दिए गए हैं जैसे देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान। यह वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, सभी महत्वपूर्ण निबंध हैं। आप सभी को जरूर तैयार कर लेना, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर, इसी तरीके का पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, इसी पैटर्न पर आधारित होंगे सभी प्रश्न। तो आप बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी मित्रों में। जय हिंद।